हमारे मन में है कि जब जब हमारी बच्चा और लड़का हो लड़की हो घर से बाहर निकलती है हमारे मन में ये चिंता आ जाती है हम आखिरी बार हमारी बच्चे को देख रहे हैं। कश्मीर की महिला बोल रही है, सरकार इधर बोल रहे सब कुछ नॉर्मल है, वही सब कुछ नॉर्मल है। सरकार के जो सरकार तक का सरकार के लिए पूरी जनता को कोई ऐसा मत, एक तरफ का साइलेंट जेनोसाइड हम बताना चाहते हैं उसी प्रकार का हो रही है। आप सोचिए तीन स्टेटमेंट, पहले बोला था सारा मुसलमान पुरुषों को जो फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन करवाना है, फिर बताया है कि पांच शादी करती है और 25 बच्चे को पैदा करती है इस मुसलमान, इसलिए इस देश का हिंदू धर्म संगत में है। पिछले 15 को 15 अगस्त को जो हमारे रेडफोर्ट में खड़े होके तो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बोला इस देश के सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे भयंकर मुद्दा है वो सिर्फ और सिर्फ जो पॉपुलेशन है। और आप ये तीन स्टेटमेंट में ले रखे, ये देखे जम्मू कश्मीर के अंदर 10 से लेके 30 साल के बीच वाले उम्र का लड़का लोगों को पकड़ के लेके जा रहे हैं, 20 दिन 25 दिन कहाँ रख रहे हैं, क्या कर रही है कोई पता नहीं है, और 25 दिन के बाद भी 50 दिन के बाद भी वो लोग वापस नहीं आ रहे। वो राज्य के जो परिवार उनको पता नहीं होती है, सरकार बोल रही है सब कुछ ठीक है। और हम मैं आखिरी में ये तो एक बात बता के बच्चों का स्थिति क्या है, हम एक घर में शाम को बैठे थे साउथ कश्मीर में शोपियान में बातें कर रहे थे, शाम की वक्त था और एक कुत्ता का भौंकना सुनते ही वो बच्चे एक बच्चे 4 साल की बच्चा हमें बोल रहे चुप रहो। हमने पूछा क्यों, जब इधर एक नाटक देख रही थी ये लोग कर रहे थे, मुझे याद आ गया 4 साल के बच्चे का, बोले हमने पूछा क्यों क्या हो गया, तो वो बच्चा बोले आपको सुनाई नहीं दे रहे कुत्ता भौंक रही है। हमने पूछा इसमें क्या है, तो परिवार वाले ने बोला इस बच्चा क्योंकि एक हफ्ते पहले उन्हीं के घर में उसी घर में आर्मी घुसे थे और वो आर्मी के ग्रुप जो ग्रुप उन परिवारों के साथ क्या क्या किया है ये बच्चों के आंखों के सामने हुआ था। उस दिन के बाद जब ही ये कुत्ता बोलती है तो तुरंत इस बच्चों को इतना ये डर होती है कि गांव के अंदर आर्मी आ रही हो, आर्मी हमारे घर पे फिर से आएगी, ये डर है। ये यदि सरकार बोल रही है ये नॉर्मल है, तब हमें ये बताना चाहती हूँ कश्मीर में जो भी है वो जो इनके लिए नॉर्मल होगा ये अबनॉर्मल तरीके से सोच रही है मोदी और अमित शाह, इस वजह से उनको लग रहा है कश्मीर में सब कुछ सही है। मैं समाप्त करती हूँ, हम ये दो बातें कह रहे हैं कि एक तो है हम कश्मीर की जो सरकार के 370 हटाने से एक अच्छी काम किया, एक तरफ वो काम है आज कश्मीर की जनता चाहे वो इस पार्टी का हो चाहे उस पार्टी का हो चाहे उस तरफ देख रही थी चाहे इस तरफ देख रही थी जो भी हो, आज छोटे से लेकर बड़े तक हर सेक्शन आज एक है और बोल रहे हैं बस 70 साल से हम सह रहे हैं, हमारे जो सेल्फ रेस्पेक्ट और डिग्निटी का वो पर जो चोट पहुंचा है 70 साल से हम सह रहे थे, मगर आपने अभी जो किया है वो हम बर्दाश्त नहीं करूंगी। वी के नॉट फॉरगेट एंड फॉरगिव, इनफ इज इनफ, हमें पाकिस्तान भी नहीं चाहिए, हमें हिंदुस्तान भी नहीं चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए, आजादी चाहिए, हम अपना जो फ्यूचर हम खुद ढूंढेंगी, हम बनाएंगे अपने फ्यूचर, ये चीज बता रहे कश्मीरी जनता के साथ हम खड़ा है, मेरी संगठन खड़ा है, भारतीय महिला फेडरेशन खड़ा है और हम समझती हूँ इधर जो भी साथी आज है वो हम सब आपके साथ है, कश्मीर की जनता के साथ है, उनके लिए जो उनकी जो डेमोक्रेटिक राइट्स बाकी देश में राज्य में जो डेमोक्रेसी के बारे में है तो कश्मीर जनता को भी डेमोक्रेटिक राइट्स है वो तय करे क्या करना है वो निर्णय के साथ हम भी है। ये बोल के आप सभी को मैं सलाम करती हूँ कि हमारी जो क्योंकि इधर बहुत सारी देश में बहुत सारी सॉलिडारिटी हो रही है कश्मीर के लिए, मगर वो बात उन्हें पहुंचती नहीं है, उनको पता भी नहीं है, फिर भी हम हर जगह पे कर रही है,
एजेंडा को हम ये कहना चाहती हूँ, साथियों आप लड़ो और हम आपके साथ है। आपकी लड़ाई हम पूरे देश के अंदर लड़ेंगी और आपके लिए, आपकी डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए, आपकी फ्यूचर भविष्य आपका दम नहीं करने का, उस चीज के साथ हम ये करेंगे। एक दिमाग जिंदाबाद। दोस्तों हमको 5 बजे जगह खाली करनी है, कई सारे स्पीकर्स है, तो सॉरी टू बी साउंडिंग लिटिल रूड, बट सबको 3-4 मिनट के अंदर थोड़ा फॉरवर्ड करना पड़ेगा ताकि सारे लोगों का सॉलिडारिटी हम सुने। तो अगला स्पीकर के रूप में प्रोफेसर ममता नारायण दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो फेस की गाना गाएंगी, उसके बाद हम नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।